हाँ बस मैं थोड़ी देर में ही पहुँचने वाला हूँ। तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस हम मिलके बात करते हैं ना। हाँ चलो बाय। तेरे से कितनी बार बोला है, उसका पता बता और वो वसीयत हमारे हवाले कर। कभी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम्हें पता है पूर्वी, अगर मैं आज सीआईडी में हूं ना तो सिर्फ अपनी मॉम की वजह से। अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता ना तो मैं कभी सीआईडी ऑफिसर नहीं बन पाती। एड्रेस चेंज का फॉर्म दीजिए प्लीज। श्रेया पता नहीं लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग हजम ही नहीं कर पाते कि एक लड़की भी आर्मी या सीआईडी का हिस्सा बन सकती है। कम ऑन यार। यू आर राइट, इसलिए हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा मैं अपनी मॉम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है। सो स्वीट, मुझे भी अपने मम्मा से मिलाओ ना, मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें भी बहुत खुशी होगी तुमसे मिलकर। चल के देखते हैं। देखिए वो कौन सा ऐसा एम्प्लॉई है जिसने कस्टमर के साथ बदतमीजी की है। हाँ सर देखता हूँ सर। बताइए सर वो कौन सा एम्प्लॉई है जिसने आपके साथ बदतमीजी की। अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम खून खराब है बेबी उतराएंगे। उधर चल जल्दी आओ। ए, तुम दोनों भी चलो इधर। ए मैनेजर, कैश वॉल्ट के पास लेके चलो। मैं मेरी बात चल लेके चल। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम सबकी दादागिरी चलेगी नहीं समझ लेना। बस 10 मिनट की बात है, शराफत से खड़े रहोगे तो बचे रहोगे। अगर किसी ने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो लाशें भी जाएंगी। प्लीज हमें छोड़ दो। चुप रहो, चुप और चुपचाप बैठ जाओ। बैठो सब लोग। चुपचाप बैठी रह जी, चुप। पैसे मिलने के बाद तो आप हमें छोड़ दोगे ना? तुम दोनों को बहुत जल्दी है घर जाने की, चलो हमारे साथ, बाकी की बातें रास्ते में समझा देंगे। अरे आप लोगों का काम तो हो गया तो हमें क्यों किडनैप कर रहे हो? क्योंकि तुम दोनों ही वो चिड़िया हो जिसके जरिए हम आजादी की उड़ान भर सकते हैं। चुप। चल सा भाई चल जल्दी चला। अरे तब ये
बड़ी गलती कर रहे हो। ज्यादा स्नान पत्ती की तो यही ढेर कर दूंगा। चम। ए, तेज चलाना। गाड़ी रोक वरना ये दोनों मरेंगे। ए, गाड़ी मत रोकना, तेज चला गाड़ी, तेज चला। गाड़ी रोको। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, तेज चला। रोकता है कि नहीं? गाड़ी रोक वरना गोली चल जाएगी। चला तू, चला गाड़ी, चला। सचिन छोड़ो मत उनको। चल उतर, उतर नीचे। गाड़ी की आवाज सर नीचे से आ रही है। ओह माय गॉड, बम बम पीछे। उतरो गाड़ी से, उतरो। नहीं उतरेंगे हम। अरे बेवकूफ, गाड़ी के नीचे बम लगा है, सब मारे जाओगे। नहीं नहीं, आप लोग बेवकूफ बना रहे, हम पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे पैसा हम। अरे गाड़ी में बम है। कुछ नहीं, कुछ बम बम कुछ नहीं। अरे चलना, उतरेंगे नहीं हम। ए, जल्दी उतरो, हम जा रहे हैं। बेवकूफी मत करो, उतरो। हाँ सचिन, बाइक वाले भाग गए क्या? वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, और वो 2 करोड़ रुपए? वो भी जल के राख हो गए। उन लुटेरों को मालूम नहीं था कि वैन में बॉम्ब लगा हुआ है। सर ये काम जरूर उन दो लुटेरों का होगा जो बाइक पर गए, वैन में नहीं बैठे। नहीं श्रेय, अगर ऐसा होता तो पैसों का बैग वो लोग अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? उस वैन में क्यों रखा राख होने के लिए? कितने लोग थे वो? 5 लोग थे सर। मतलब बात साफ है सर, उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि वैन में बॉम्ब है। इस विस्फोट के पीछे कोई तीसरा ही है। हाँ सर, लेकिन उन्होंने मेरे सर पे जोर से वार किया और मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे कुछ याद नहीं। किसी का चेहरा देखा तुमने? सर मुझे कुछ याद नहीं, मैं बेहोश हो गया था। कोई मास्क पहना था लोग? नहीं, मास्क नहीं पहना था। सर लुटेरे ने चेहरे पे मास्क नहीं पहना था, तो हो सकता है सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में उनका चेहरा दिख जाए। सर, सर लॉकर रूम के 1 लॉकर में चोरी हुई है। लॉकर रूम के 1 लॉकर में? हाँ सर। क्या नंबर है लॉकर का? सर लॉकर नंबर 144। लॉकर नंबर 144। मैनेजर साहब, उन लुटेरों को आप कैश वॉल्ट के अलावा तुम्हारे लॉकर रूम में भी लेकर गए थे? नहीं सर। लॉकर नंबर 144 किसका है? 144 ये लॉकर तो अलीशा जी का है। अलीशा? क्या क्या रखा होगा उन्होंने उस लॉकर में, कुछ पता है आपको? नहीं सर, वैसे तो हमें इस बात की जानकारी नहीं रहती है, लेकिन अभी 2 दिन पहले। क्या बात है मैम, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? जी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मैं कुछ आपकी मदद करूं? ये क्या कर दिया आपने? आप हम यहाँ मेरी मदद करने आए हैं या परेशान करने आए मुझे? मैं उठा देता। नहीं कोई जरूरत नहीं, आप जाइए यहाँ से। क्या लॉकर में पोस्ट कार्ड? आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही? नहीं सर, ये देखकर मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि लॉकर में तो लोग अपने जरूरी कागजात और जेवर वगैरह रखते हैं, लेकिन इन मैडम ने लॉकर में पोस्ट कार्ड क्यों रखे है? ये क्या लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरा? आपको मालूम है ना ऐसा करना गलत है। सॉरी सर,
मैं आज ही निकलवा दूंगा। इस सीसीटीवी का फुटेज देखना चाहते हैं। आखिर पता तो चले उन पोस्टकार्ड्स में था क्या? कल्पना क्या कर देगा? क्या उधर भी नहीं है? जैसे ही तुम्हें मालूम चले ना फौरन मुझे बताओ। अंडरस्टैंड? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अलीशा का कुछ पता चला आपको कि किधर है वो, कहाँ है? ओ, मतलब अलीशा घर पे नहीं है? हम लोग तो अलीशा से ही मिलने आए थे। कल रात को अलीशा घर छोड़ के चली गई। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई मगर अभी तक अलीशा का कुछ पता नहीं चला। आप लोगों ने कहा आप सीआईडी से, तो हमें लगा आपको कुछ पता चला होगा शायद भाभी के बारे में। आप अलीशा के देवर? जी हाँ, और मैं अलीशा का पति मयंक। ये अलीशा अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई? एक्चुअली अलीशा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। जब भी वो अपना आपा खोती है तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कल रात को भी ऐसा ही हुआ। उसने पहले नौकर को घायल किया और फिर घर छोड़कर भाग गई। मगर आप लोग अभी यहाँ कैसे? यूनिवर्सल बैंक में जो डकैती हुई है उसके सिलसिले में हमें अलीशा से कुछ पूछताछ करनी थी। पर उस डकैती से भाभी का क्या लेना देना? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अलीशा का उस बैंक में लॉकर था और लुटेरों ने पैसों के साथ साथ उसके लॉकर का सारा सामान भी लूट लिया। उसमें ऐसा कौन सा कीमती सामान था कि वो? हम भी वही पता लगाने आए। क्या हम अलीशा का कमरा चेक कर सकते हैं? शायद ऐसा कोई सबूत मिल जाए जो हमारे काम का हो। जी हाँ अमित। ये बताइए कि अलीशा का इलाज कहाँ चल रहा है? इलाज? आप ही ने कहा ना कि अलीशा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर कहीं ना कहीं उसका इलाज तो चल रहा होगा ना किसी साइकेट्रिस्ट से? हाँ, एमआई रोड पे डॉक्टर सुहाना है, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर सुहाना का नंबर मिल सकता है हमें? डॉक्टर सुहाना। सर आने के लिए। सलीशा की कंपनी से ये स्केचबुक मिली है। स्केचबुक? अलीशा को स्केचेस बनाने का शौक था क्या? हाँ, थोड़ा बहुत स्केच का शौक था उसको, मगर ये स्केचबुक मैंने इससे पहले नहीं देखी यहाँ पर। आपके घर में कोई बच्चा भी है क्या? नहीं, बच्चे तो नहीं है। तो फिर ये अलीशा स्केचेस के जरिए कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या? सर वो लुटेरे जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए वो बहुत पुराने क्रिमिनल्स थे, अलग अलग नामों से कई छोटे मोटे जुर्म कर चुके थे। और वो दोनों जो बाइक में भाग गए? सर उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला। कोई बात नहीं, वैन का नंबर तो है हमारे पास, ये मच्छर भाग के जाएंगे कहाँ? लॉकर रूम के सीसीटीवी की फुटेज लोड हो गई ना? हाँ सर। दिखाओ जरा। सर एक मिनट स्टॉप, इस पोस्टकार्ड पर जूम करना जरा। पोस्टकार्ड पे तो बीचेस के फोटोग्राफ्स है, समंदर का किनारा और इतने सारे नारियल के पेड़। जरा और जूम करना सर। ये क्या लिखा है इस पे? MSK क्या हो सकता है? जरा इंटरनेट पर चेक करो सर। MSK है क्या चीज? सर ये एक आर्ट गैलरी है गोवा में। कहीं ये पोस्टकार्ड गोवा से तो नहीं भेज रहा था कोई अलीशा को? सर पर ऐसे क्या खास बात थी इन पोस्टकार्ड्स में जो अलीशा ने इतना संभाल के रखती थी? इसका जवाब तो अलीशा की साइकेट्रिस्ट ही दे सकती है, डॉक्टर सुहाना।
अरे ये सब क्या है? ऐसा लगता है यहाँ पे कोई तूफान आया है। डॉक्टर चौहाना, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए ना। कौन है आप लोग? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। देखिए, हम लोग सीआईडी से। आप सीआईडी से हैं? एक मिनट, आप प्लीज बैठिए। निखिल, आप इधर बैठिए प्लीज। क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों है? आप लोग सचमुच सीआईडी से हैं? डॉक्टर सुहाना, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। क्या हुआ यहाँ पे, किसने किया ये सब? दो लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने मास्क पहना था, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और मुझे धमकी भी दी कि मैं आलिशा के बारे में किसी से कुछ ना कहूँ। आलिशा, आपकी पेशेंट? हाँ। एक्चुअली डॉक्टर सुहाना, मैं अलीशा के बारे में ही आपसे बात करने आया था। कल रात अलीशा ने अपने नौकर पे हमला किया और घर छोड़ के भाग गई। What? नहीं नहीं, अलीशा की दिमागी हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करे, पर हाँ पिछले कुछ दिनों से वो परेशान थी। किस बात को लेकर परेशान थी? वो अपने किसी सहेली को लेकर चिंतित थी। अलीशा कहती रहती थी कि उसे बचाना है, बचाना है। ये कौन सी सहेली? नहीं, मैं उसे जानती तो नहीं, पर हाँ वो जब भी यहाँ आती थी लैंडलाइन फोन से उसे फोन जरूर करती थी। यहाँ से लैंडलाइन से फोन करती थी? हाँ, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसका मोबाइल नंबर उस आदमी के हाथ में लग जाए जिसे उसकी सहेली को खतरा था। फोन पे क्या बात करती थी, आपने कभी कुछ सुना? नहीं। वैसे लेकिन अलीशा आपके पास कब कब आती थी, वो डेट और टाइम, इसका रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास? हाँ हाँ, डेट और टाइम का, दोनों का रिकॉर्ड है मेरे पास। गुड, टेलीफोन एक्सचेंज से पता करो उस टाइम अलीशा किससे बात करती थी फोन पे। सर, एक बात और, जब वो लोग मुझ पे हमला करने आए थे तब बाहर एक लड़की गाड़ी में बैठ के उनका इंतजार कर रही थी। बाहर लड़की? कौन थी वो लड़की, आप जानती हो उसे? नहीं नहीं, मैं उसे जानती तो नहीं और ना ही उसका चेहरा देख पाई थी, पर हाँ उस लड़की ने लाल रंग का कोट पहना था। लाल कोट वाली लड़की? हाँ, मैनेजर साहब। यस। देखिए, हम लोग सीआईडी मुंबई से, एक बात बताइए, क्या ये कार्ड आप ही के यहाँ के? जी हाँ, हमारे यहाँ से खरीदे गए। बता सकते हैं किसने खरीदे थे? कमाल है सर, कल ही एक औरत यहाँ पर आई थी और वो भी इन्हीं कार्ड्स के बारे में पूछ रही थी, और वो भी यही कह रही थी कि इन कार्ड्स को यहाँ से किस किसने खरीदा है। कैसे दिखती थी वो औरत? सर, मैं उनकी फोटो दिखा सकता हूँ आपको। फोटो? वो कैसे? सर, कुछ स्टूडेंट्स हमारी आर्ट गैलरी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, वो दो दिन से शूटिंग कर रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज ले रहे हैं, उनके पास उसकी फोटो जरूर होगी। ओह, तो अगर वो स्टूडेंट्स यहीं पर है तो बुलाइए ना उन्हें। प्रतीक, इशिता, प्लीज कम। या यस सर। प्रतीक, आप सीआईडी मुंबई से हैं? सर, ये उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। प्रतीक, कल जो तुमने यहाँ पर फोटोज खींची थी, जरा वो फोटोग्राफ्स मैनेजर साहब को दिखाओ। या यस सर। सर देखिए और बताइए, क्या वो औरत है क्या इसमें? यही है सर, देखें। इस औरत का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है, लाल रंग का कोट पहना है इसने, लाल रंग का कोट। सचिन, इसी औरत ने डॉक्टर सुहाना पर हमला करवाया है, इसी औरत ने। हाँ अभिजीत, क्या अलीशा ने डॉक्टर सुहाना के क्लिनिक में से किसी प्रियंका को फोन किए थे? किसी प्रियंका को? अच्छा, एड्रेस क्या है? गोवा का ही है। बस ये वही गैराज है जहां पे चोरी की गाड़ियां खरीदी और बेची जाती है।
मतलब बैंक रॉबरी में जो वैन है वो यहीं पे बेची गई होगी। चलो कुछ खरीदने आए हो या कुछ बेचने? बेचने आए हैं बादशाह। क्या बेचने? अरे गाड़ियों का गैराज है, गाड़ी बेचने आएंगे ना। भजिया बेचना होता तो समंदर के किनारे चले जाते। कौन सी गाड़ी? दो गाड़ी है, एक लेस्कॉट और एक सैंडल, दोनों लेटेस्ट मॉडल। चोरी क्या क्या? क्या यार, बच्चों वाली बात कर रहा है। चोरी की नहीं होती तो यहाँ क्यों आते? लेकिन तुम्हें किसने कहा कि हम चोरी की गाड़ियां खरीदते हैं? सीआईडी को फोन करूं क्या? सीआईडी को क्यों तकलीफ दे रहा है? आपस में बातचीत करके सलटा देते ना भाई। दस दस लाख की गाड़ी है, आपके लिए ढाई ढाई लाख में दे देंगे। लोगों को पहले तो कभी देखा नहीं। कौन सी गैंग से हो? प्रद्युमन गैंग से हम लोग। प्रद्युमन गैंग? मैं ये गैंग कौन सा पैदा हो गया है? इसका तो नाम ही नहीं सुना आज तक। अब वो नया नया गैंग है, पैर जमाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, गाड़ी कहाँ है? सीआईडी ब्यूरो में। सीआईडी ब्यूरो? कहाँ जा रहे हैं कि सोचना भी नहीं समझा, जहाँ खड़ा वहीं खड़े रहे। बैंक रॉबरी वाली वैन किसको भेजी थी तुमने? जाने दो हमें, वरना ये तुम्हारा सीआईडी ऑफिसर बेमतलब मारा जाएगा। अभी तो ये गन तानी है, अगर अपने मुंह से एक लफ्ज भी और निकालो ना तो इस गन से गोली भी चल जाएगी। भाई साहब ये कुछ भी बोलते हो, ये तो राइट बच्चा नादान है आप। अरे 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 इधर से कहाँ जा रहा है? सर प्लीज रुकिए, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मुझे चक्कर भी आ रही है सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ ना सर, रुकवाओ सर, रुकवाओ प्लीज प्लीज रुकवाओ। बता रहा है ना? तो बता वो वैन तूने किसको बेची थी? जितेन और रंगा को। और सुनने में आया है कि बैंक रॉबरी करने के बाद उनके बाकी साथी मारे गए, केवल वो दोनों ही बचे। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? बताता हूँ सर, लेकिन आपसे पहले भी एक आदमी उनके बारे में पूछते पूछते यहाँ आया था। कौन? कौन था वो? अनिकेत, अनिकेत नाम बताया था उसने अपना, और उसने तो मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दिया था और कहा था कि जैसे ही उन दोनों के बारे में कुछ पता चले मैं फ़ौरन उनको फ़ोन करके बता दूँ। अनिकेत, अनिकेत ये नया खिलाड़ी कौन है? इस इलाके का ये आखिरी लॉज है, हो सकता है यहाँ काम बन जाए। I hope so. सुनिए हम लोग सीआईडी मुंबई से हैं। क्या हुआ साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लड़की कल ही गोवा आई, लाल रंग का कोट पहन रखा था उसने, आपके लॉज में ठहरी है। अरे टिंकू जरा इधर आना। जी सर। ये वही है ना? जी सर, ये वही लड़की है। मतलब ये लड़की यहाँ आई थी? जी सर, ये लड़की कल शाम को 6:30 बजे यहाँ पर आई थी जी। इसका नाम नैन तारा है सर, इधर देखिए। ये नहीं सर, ये इसकी चेक इन एंट्री है, कमरा नंबर 603। चलो पूरी। अरे साहब कहाँ जा रहे हैं? कमरे में कोई भी नहीं है। क्यों, वो गोवा घूमने गई है क्या? साहब कल रात को एर्नोल्ड रोड पर किसी ने उसे चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। व्हाट? जी हाँ, फिलहाल तो वो जेडी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आनर रोड तो वही है ना जहाँ प्रियंका रहती है, हो सकता है नयन तारा प्रियंका से मिलने गई हो और प्रियंका के खूनी ने ही उसे चाकू मार दिया। कल रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो नयन तारा ही बता सकती है, तब तक तुम कमरा नंबर 603 चेक कर लो। इतने सारे लोग घर के बाहर क्यों पड़े? हुआ क्या है यहाँ पर? ये प्रियंका कुमार का ही घर है ना? जी। आप प्रियंका से मिलने आए? जी हाँ। सर अब तो प्रियंका जी से कोई नहीं मिल सकता। क्यों? कल रात ही उनका खून हो चुका है। क्या खून? प्रियंका का खून हो चुका है? जी।
जी आप लोग? मैं एसीबी प्रद्युमन, सीआईडी मुंबई से। मैं इंस्पेक्टर जगत, इस इलाके का क्राइम ब्रांच ऑफिसर। मगर मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि आप लोग इस केस को हैंडल करने वाले। नहीं नहीं, हम लोग एक दूसरे केस के सिलसिले में आए थे, प्रियंका से मिलने के लिए। वैसे प्रियंका का खून हुआ कैसे है? किसी ने पीठ में 6 बार चाकू से वार किया है और उसकी लाश हमें यहां मिला है। 6 बार चाकू मारा? प्रियंका की लाश कहां पर है? सर उसके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अच्छा, और आपको इंफॉर्मेशन किसने दी? सर मालिनी ने। ये है वो मालिनी। मालिनी, मालिनी एक बात बता, क्या हुआ यहाँ पर, क्या देखा तुमने? सर, आज सुबह जब मैं 11 बजे काम पे आई तो मैम साहब ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला, देखा कि मैम साहब मरी पड़ी है, तो मैं जोर से चीख उठी साहब। अच्छा, कब से काम कर रही हो तुम यहाँ इस घर में? 2 महीने से साहब। मैम साहब बहुत अच्छी थी, पता नहीं ये सब उसके साथ कैसे हो गया। मुझे तो वंश बाबा के लिए डर लग रहा है, वो कहाँ और किस हालत में होगा। ये वंश कौन है? प्रियंका का 6 साल का बेटा है सर, वो अब गायब है। मुझे शक है कि खूनी उसे अपने साथ ले गया होगा। क्या कहा आपने? प्रियंका का बेटा 6 साल का है? सर मतलब वो स्केचबुक? हाँ सचिन, वो स्केच जो हमें आलिशा के घर से मिला है, लगता है उस केस में जो बच्चा है वो वंश है, और वो लड़की वंश की माँ प्रियंका, और वो जानवर जो उनके पीछे पड़ा है प्रियंका का खूनी है। मतलब सर ये अलीशा अच्छी तरह से जानती थी कि प्रियंका की जान खतरे में है। शायद, और शायद इसीलिए वो मुंबई से गोवा आ गई प्रियंका को बचाने के लिए। सर फिर तो ये भी हो सकता है कि वंश खूनी के हाथ में ना हो बल्कि अलीशा के पास हो सकता है। एक काम करो, अलीशा की फोटो मालिनी को दिखाओ। इस फोटो को अच्छी तरह से देखो, बताओ क्या तुमने इस औरत को पहले कभी देखा है, क्या तुम पहचानती हो इसे? हाँ साहब, यही तो कल प्रियंका मैम के साथ कार में थी। तो अलीशा प्रियंका से मिलने के लिए आई थी कल? ये घर तो नहीं आई, लेकिन काफी देर दोनों बैठ के कार में बातें कर रही थी। मैम साहब को इसी ने मारा क्या? हाँ विनित, क्या? अच्छा ठीक है। इंस्पेक्टर जगत सर, क्या कल रात किसी नयनतारा नाम की लड़की पर चाकू से हमला किया गया था? हाँ सर, पर नयनतारा तो टूरिस्ट थी, उसका इस केस से क्या लेना देना? नयनतारा का इस केस से लेना देना है? ना, जल्दी चलना पड़ेगा, सीआईडी आ सकती है जब भी। सीआईडी आ गई, क्या करें, बड़ी लंबी उम्र है सीआईडी की। सीआईडी का नाम लो, सीआईडी हाजिर। जाने दो मुझे, जाने दो, नहीं तो जान से मार दूंगा इसे। अच्छा है, मार दो, 2 के बजाय 1 को फांसी देनी पड़ेगी। और हाँ, हमारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हें अकेले देना पड़ेगा। सर, बैंक को लूटने का हमारा असली मकसद था साहब, उस लॉकर में से वो पोस्ट कार्ड निकालना, पैसे नहीं साहब। किसके कहने पे चुराए थे वो पोस्ट कार्ड तुमने? वही लड़की थी साहब, ना तो हम कभी उससे मिले ना उसके बारे में कुछ जानते हैं साहब। तो फिर किसको दिए पोस्ट कार्ड? साहब उसी लड़की का कोई गुंडा था साहब। क्या लिखा क्या था पोस्ट कार्ड के अंदर? वो गोवा से भेजे थे किसी ने, किसी अलीशा नाम की लड़की के लिए साहब। सब कुछ कुछ अजीब अजीब सी चीजें लिखी थी उस पे साहब। जरूर ये वो लाल कोट वाली लड़की है जो गोवा पहुंच चुकी है, और ये काम वो किसी ऐसे आदमी के लिए कर रही है जो प्रियंका और वंश को मारना चाहता है।
और उस आदमी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, अनिकेत। टॉर्ची के तो बस टिकट्स, कहीं ये नयनतारा वंश को साथ लेकर भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है इनकी? होश तो आ गया है, लेकिन इनके गले में जो चाकू का घाव था उसकी वजह से इनके शरीर के कुछ अंगों को लकवा मार गया है। ये बात तो कर सकेगी ना? सॉरी, ये बोल नहीं पाएंगी, पर हाँ ये आपकी बातों को सुनकर हाँ या ना में जवाब दे सकती है, सर हिलाकर। ये तो फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर है, फिर ये इस गुनाह के दलदल में कैसे फंस गए? ये जानवर का निशान जाना पहचाना है, जैसे कहीं देखा हो। कहाँ देखा है, कहाँ देखा? हाँ, ऐसे ही निशान मैंने अलीशा के स्केचबुक पे देखा था। थैंक यू वेरी मच, अब जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ पूर्वी। अच्छा, ठीक है, ओके। नयनतारा, नयनतारा देखो, हम लोग सीआईडी से हैं, तुम्हारी यह हालत देखकर बहुत दुख होता है हमें। काश तुम गलत रास्तों पर नहीं चलती और तुम्हारे साथ ये होता। खैर देखो, हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, सही सही जवाब दोगी तो बताओ। बैंक रॉबरी, वैन में बॉम्ब ब्लास्ट, डॉक्टर सुहाना पर हमला और प्रियंका का खून, इन चारों में तुम्हारा हाथ था ना? और कल रात जब तुम वंश को अपने साथ ले जा रही थी तब तुम पर आलिशा ने हमला किया ना? और अच्छा ये बताओ कि वंश कहां पे? बताओ वंश कहां पे? वंश क्या आलिशा के साथ है? वंश आलिशा के साथ है, और कोनी, कोनी दोरजी में ही है। कोनी अभी भी दोरजी में है और वंश आलिशा के साथ। इसका मतलब है आलिशा और वंश की जान को खतरा है। इससे पहले कि ये खूनी आलिशा और वंश के साथ कुछ करे, हमें खून तक पहुंचना ही चाहिए। अनिकेत। हाँ, मैं ही अनिकेत हूँ। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। इन दोनों को पहचानते हो आप? जितिन और रंगा कहाँ है मेरे पापा? बोलो, जवाब दो। एक मिनट, आपके पापा इन लोगों के पास है? हैं? चार दिनों से वो गायब है और मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों ने ही उन्हें गायब किया। इनके पिताजी को पहचानते हो तुम लोग? इनके पिता एडवोकेट विश्वनाथ, वो प्रियंका का केस लड़ रहे थे साहब। हम तो सिर्फ पता पूछने गए थे साहब। और हाँ, जब पापा ने इन्हें एड्रेस नहीं बताया तो इन दोनों ने पापा को मारा, धमकाया। ये सब उस लाल कोट वाली औरत के कहने पे किया साहब। अगर इनके पिताजी उस प्रियंका का पता दे देते और वो वसीयत दे देते तो साहब ये बवाल नहीं होता। वसीयत? कैसी वसीयत? प्रियंका के माँ की वसीयत। उन्होंने अपनी सारी दौलत प्रियंका और वंश के नाम कर दी थी।
इस वसीयत के मुताबिक अगर वंश को कुछ हो जाता है तो वो सारी दौलत प्रियंका के पति के नाम हो जाती है। कौन है वो आप जानते हैं? पता नहीं सर, वो सब कुछ वसीयत में लिखा हुआ है और वसीयत पापा के पास है। कहाँ है? कहाँ है एडवोकेट विश्वनाथ? हाँ साहब, उस रात हमने उनका पीछा किया साहब। उसका पता बता और वो वसीयत हमारे हवाले कर। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम दोनों ने मेरे पापा को मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं अनिकेत, अनिकेत प्लीज संभालो अपने आप को। इनके किए की सजा इन्हें कानून देगा। क्या हो ना हो, वसीयत विश्वनाथ जी की कार में ही है। ये वो फैक्ट्री है जहां पे नयन तारा काम करती थी। हैरानी की बात यह है कि ये फैक्ट्री अलीशा के नाम है। कहां पे है वो कार? आइए सर, दिखाता हूं। दिखाओ। कहां है? सर, ये रही सर। यही वो कार है ना जिसमें विश्वनाथ जी का खून किया तुम लोगों ने? छुपा के रख। इस लिफाफे में जरूर इस केस का राज छुपा है। ऐसा क्या राज है जो छुपा के रखा गया था? विल? तो वही विल है जिसके लिए विश्वनाथ जी का खून हुआ और अब वंश और अलीशा की जान जाने वाली है। खूनी जरूर वही आदमी है जिसे अब यह सारी दौलत मिलने वाली है। माय गॉड, तो ये है वो। मुझे मम्मी के पास जाना है आंटी, मुझे मम्मी के पास ले चलो। अरे बच्चा, मम्मी के पास ही तो भेज रहे हैं हम तुझे। पता है मम्मी कहाँ है? ऊपर। मत करो ऐसा। और तुझे भी तेरी आलिशान आंटी के साथ ऊपर ही भेजेंगे हम। अमित मत करो ना ऐसा, अमित ऐसा क्यों कर रहे हो? अमित अमित छोड़ दो। वैसे अलीशा, तुम्हारे ममता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अपने पति के सौतेले बच्चे की इतनी परवाह? अगर हमारा अपना बच्चा होता तो अपनी पलकों पे रखती तुम उसे। क्यों? तुम जैसे गिरे हुए इंसान को मुझे अपना पति कहने भी शर्म आती है। पैसों के लिए तुम लोगों की जान लेने से भी बात नहीं आ रहा। बहुत बड़ा पापी हूं मैं, बहुत बड़ा। माफी चाहूंगा उसके लिए। बस दो लोगों का खून और कर लो, फिर ये सारी दौलत मेरी, फिर आराम से सब पापों का प्रायश्चित करूंगा। इतना आसान है सीआईडी वालों से बचना? निकल।
शादी शादी मेरे लिए कभी 7 जन्मों का बंधन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था, पैसे कमाने का जरिया। हाँ ये तो हमें मालूम है कि पैसों के लालच में ही तुमने प्रियंका के साथ शादी की और उसी लिए तुमने अलीशा के साथ भी 7 फेरे लिए। हाँ। मैं अलीशा को धीरे धीरे पागल करके उसकी सारी दौलत हड़प लेना चाहता था, मगर मेरे पैन पर तब पानी फिर गया जब प्रियंका ने अलीशा को मेरी सारी असलियत बता दी पोस्टकार्ड्स के जरिए। प्रियंका डरती थी कि ये उसे और वंश को मार न डाले। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं प्रियंका को नहीं बचा पाई। नहीं अलीशा, तुमने वाकई बहुत बहादुरी से काम लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वंश को प्रियंका की कभी कमी महसूस नहीं होगी तुम्हारे साथ। बाकी बचे तुम दोनों मयंक और अमित, अब दिन गिनना शुरू करो क्योंकि फांसी तो तुम दोनों को होने वाली ही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।